बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की रहमत करम और फजल से मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। अच्छा, ये छोटे वाले गमले भी में मैंने ना पुदीना आज बीज लिया है, दोनों में हो गया। जब ये बड़े हो जाएंगे ना तो बहुत खूबसूरत लगेंगे। ये छोटा वाला गमला खाली पड़ा हुआ था, मैंने इसमें भी पुदीना लगा लिया। वो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और बड़े वाले में तो उस दिन लगाया था, लेकिन ये भी सही चल रहा है, लगता है लग गया है, ये ज्या नहीं जाएगा। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा मैं आपको दिखाती रहूँगी कि कितना बढ़ गया है। आसमान भी गरज रहा है बहुत ज़ोर से। तेज बारिश आ गई है, तेज बहुत। मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं साबुत मूंगी दाल बना रही हूँ। तो अब ओपन किचन में बना रही हूँ मैं। चूल्हे में मैंने आग लगा लिया है, तो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। आग मेरी बल रही है क्योंकि आज लकड़ी मेरी गीली हो गई थी बारिश की वजह से। ज़रा टाइम लगेगा मेरे चूल्हा ऑन होने पर। तो क्या हुई लहसुन और क्या मैं कूट रही हूँ दाल के लिए। मेरा गर्म हो रहा है, ऑयल मैंने डाली हुई है। ये वाली दाल मैं बना रही हूँ, साबुत मूंगी है। ये साबुत मूंगी बहुत मज़े की बनती है, इसके ऊपर छिलका होता है, ये बड़ा मज़ेदार होता है। मेरे प्यार वजह इसमें मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूखी धनिया एक चम्मच, में नमक डालूंगी, इसमें जैका, हल्दी और सुरख मिर्च। मैं ज़रा मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, नमक मुझे फीकी सीखी खाने अच्छी नहीं लगती है, चटपटा मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। आप जितना भी डाल सकते हैं डाल सकते हैं। कई लोग मिर्च कम खाते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला मेरा तैयार हो चुका है, अभी इसमें मैं दाल शामिल करूंगी। जो पानी में मैंने भिगो के रखा था वो पानी उसके साथ ही डालूंगी। अभी इसको मैं तकरीबन 5 मिनट भूनूंगी, भून के फिर मैं इसमें पानी डालूंगी। ये लकड़ी जो है ना हमने तंदूर के लिए तैयार रखी हुई है, क्योंकि आज हमने मजदूर लगाया था वो लेके आया है, और ये सामने उधर रखेंगे। अब ये हम तंदूर पे रोटियां बनाया करेंगे, क्योंकि ये लकड़ी जो है तंदूर वाली है, तो तंदूर के लिए इन लकड़ियों की बहुत ज़रूरत पड़ती है गर्मियों में। तो ये हम ये आ गए हैं, इसी तरह जगह जगह हमने इकट्ठे किए हैं मजदूर के ऊपर, अब उस जगह पे रखेंगे और हम तंदूर के लिए इस्तेमाल करेंगे। मेरी दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है, गल गई है ज़बरदस्त। अब मैं दूसरे देगची में शिफ्ट करूंगी, वो इसलिए शिफ्ट करूंगी क्योंकि नीचे से ये वाला कुकर काला होता है तो फिर मेरे बर्तन काले होते हैं। इसमें मैं शिफ्ट करूंगी, इसमें मिर्ची डालूंगी, मेरे ये वाले व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और अपने दोस्तों के साथ ही शेयर करना है। इस दुआ के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करने वाला, ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हम सब पर करम करे, फजल करे, अल्लाह ताला हम सबको रहमतों के साए में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।